तृतीय पाळीर प्रथम बजेट हेउछि एवं विकसित भारतर आज मूलदुआ पड़ब। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट उपस्थापन हो। प्रधानमंत्री 2047 सुधा भारत को विकसित राष्ट्र करने लक्ष्य रखिथ्वर बड़ घोषणा करिपारंती केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एथर बजेट रे टैक्स लैब रे बड़ धरणर परिवर्तन होई पारे। टिकस आश्वस्ति ठारु आरंभ करी अर्थनीति को द्रुत गति रे आगो को बढ़ाइबा पई बजेट अनुदान उपरे अनेक आशा रही। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती। एहाकु मिसाई क्रमागत सप्तम थर पई देशर बजेट उपस्थापन करिवार एक विरल कृतित्व हासिल करबा को जाउछंती केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। बजेट रे किछि बड़ घोषणा होई पारे, विशेष करी सड़क पथ एवं भारतीय रेलपथ को प्राथमिकता दिया जिवो। साधारण लोक एवं मध्यवित्तक पई मध्य आयकर छाड़ घोषणा पूर्वक नूतन आयकर व्यवस्था करा जिवो। सेपरि कृषि एवं कृषकक पई किछि बड़ घोषणा करा जाई पारे। कमलाकांत याते गोटे पटे केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सप्तम थर पई बजेट उपस्थापन करिवे। लगातार तृतीय थर पई क्षमता को आसीथिबा नरेन्द्र मोदी सरकार एथर एक संतुलित बजेट देवाई लक्ष्य रखिंट जहाँ विशेषज्ञ मैंने आलोचना करते कि भाव में लगातार सप्तम थर बजेट उपस्थापन करेंगे विरल रेकर्ड किंतु टैक्स लाभ पर समस्त नजर रिभली भाव में स्टैंडार्ड डिडक्शन वृद्धि और आयकर छाड़ी बड़ घोषणा करपारती केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। चलित बजेट स्टैंडार्ड डिडक्शन 60,000 रु 1,00,000 टंका को वृद्धि होपे। यह वेतनभोगी कर्मचारी लाभदायक हो पाए। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।